आज सुकून की नींद सोऊंगी मैं। लो, सब अपने अपने सवारी पर बैठकर चले गए। मुझे तो चलकर ही जाना पड़ेगा। अरे ओ कपालिका, जा तू भी जाके तेरे हवन कुंड, मेरा मतलब है गुफा में जाके सो जा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शांति। रुद्र, तुम नहीं मर सकते। रुद्र, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, तुम्हें वापस जिंदा करूंगी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। गुरुदेव, गुरुदेव देखिए ना इसे क्या हुआ। गुरुदेव इसे बचा लीजिए। गुरुदेव क्या हुआ? चल मनी, तब तो इसका बचना मुश्किल है। शिवांगी, नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इसे बचाना होगा। गुरुदेव, मेरे बदले के लिए इसने अपनी जान दे दी, ये नहीं मर सकता। कुछ कीजिए गुरुदेव, इसे बचा लीजिए। दो मुझे। जय भोलेनाथ, शिवांगी अब कुछ नहीं हो सकता। इसकी अंतिम सांसें जा चुकी, ये नहीं मर सकता। इसे जिंदा होना होगा। शिवजी को इसे जिंदा करना होगा। वो अपने नागों को, अपने सबसे बड़े भक्तों को ऐसे मरने नहीं दे सकते। इसे जिंदा होना होगा। गुरुदेव, गुरुदेव कोई तो उपाय होगा इसे बचाने का। जय भोलेनाथ। हाँ हाँ, शिवांगी एक उपाय है, सुनहरी बूटी, जो सिर्फ और सिर्फ इच्छाधारी नाग नागिन को बचाने में काम आती है। ये बूटी कहाँ मिलेगी? जब कोई नाग मरता है तो उसकी सांसें तो चली जाती, पर 8 घंटे में अगर वो बूटी उसे मिल जाए तो उसे बचाया जा सकता है। ये सुनहरी बूटी समुद्र की गहराई में मिलेगी, चांद की रोशनी तुमको वहां ले जाएगी। पर याद रखना, उस बूटी को पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिच्छुओं का राजा वृश्चिक उसकी रखवाली करता है। उस बूटी को पाने के लिए तुम्हें उससे युद्ध करना पड़ेगा, उसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। मैं लड़ूंगी, मैं वृश्चिक से लड़ूंगी, बूटी मैं लेकर आऊंगी। समय बहुत कम है शिवानी, सूरज की पहली किरण निकलने से पहले तुम्हें वो बूटी यहां लेकर आनी होगी। पर याद रहे, सूरज की किरणों ने तुम्हें या रुद्र को छू भी लिया तो ये बूटी रुद्र को बचा नहीं सकेगी। जल्दी जा। जी गुरुदेव। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। नागेश्वराय, नागेश्वराय, नागेश्वराय।
सूर्योदय होने वाला। शिवांगी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? ये लो, रुद्र के घाव पे लगा दो। शायद देर हो गई जड़ी बूटी लाने में। रुद्र, शिवजी ने अपने भक्त को बचा लिया, दुष्टों को हरा दिया। तुम ठीक होगे रुद्र। शिवांगी, अपनी जान पे खेल के तूने इसकी जान बचाई है। आज ये जिंदा है तो तेरे कारण। जय भोलेनाथ। शिवांगी ने मुझे बचाया? मुझे कुछ याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि मैं गुफा में था और उन लोगों ने मुझे मार दिया। मैं जान गई थी कि उन लोगों ने तुम्हें नागजान में फंसा लिया। मैं तुम्हें ऐसे कैसे मरने देती रुद्र? लेकिन शिवांगी, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान। तुम इस वक्त आराम करो, तुम्हें अपनी शक्तियां भी वापस पानी है। हमारी सारी शक्तियां चली गई। शिवांगी, उस सुनहरी बूटी को पाने में तूने भी अपनी शक्तियां गवा दी। मैं तुम्हें शिव का काढ़ा पिलाऊंगा, उससे तेरी सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी। जय भोलेनाथ। शिवांगी, मैं मर चुका था, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। लेकिन ऐसा करते वक्त अगर वो लोग तुम्हें देख लेते तो तुम्हारी माँ का इंतकाम कैसे पूरा होता? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम भी मेरे लिए यही करते। हम उन कातिलों जैसे नहीं जो अपनों की जान लेते हैं, और ये सब मैं अपनों के लिए ही तो कर रही हूँ।
अगर ऐसी बात है तो आज से मेरी जिंदगी तुम्हारी अमानत है। नहीं नहीं शिव जी की, ये सब छोड़, तुम्हें इस वक्त आराम करना चाहिए। नहीं, ये पी ले। शिवांगी, तू रात भर घर से बाहर रही, घर वापस जा, नहीं तो उन्हें तुझ पर शक हो जाएगा। जी नमस्कार। जय भोलेनाथ। शिवांगी, मैं आज तक उस परिवार से अपनी बीवी का इंतकाम ले रहा था, पर आज से तुम्हारी मां का इंतकाम ही मेरा इंतकाम। कहीं रॉकी को पता तो नहीं चल गया कि मैं रात भर घर में नहीं थी। पर रॉकी है कहां? भाई रात भर कहां गायब थे? तो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया। तो रॉकी पूरी रात घर से बाहर, और ये सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। उन्हें लगता है कि उन लोगों ने रुद्र को मार दिया, पर शुक्र है रॉकी को मेरे ना होने का पता नहीं चला। एनीवेज सुडोकू माइंड गेम मैंने यहां तक तो सॉल्व कर दिया है। बाद में करते हैं, अभी नहीं। जस्ट एक्सक्यूज मी। ओप्स सॉरी भाभी, कैरी ऑन। शिवांगी क्या हुआ तुम्हें? दूर हटो मुझसे। अरे क्या हो क्या गया तुम्हें? दूर चले जाओ। शिवांगी मैंने कहा दूर जाओ मत। शिवांगी क्या हो क्या गया तुम्हें? देखो देखो मेरे पास मत आना। ये आज के लंच का मेन्यू है, सबका फेवरेट है, तो ठीक से बनाना। आलिया शालू का मैसेज है, सावन भादो रिलीज हो रही है, मैं मैटनी शो देखने जाऊंगी। अरे वाह बुआ, आपने बड़ी माँ को देखा? रेखा रॉकी हमारे यहाँ सुपरस्टार रेखा आ रही है। नहीं देखा देखा। देखा देखा ये कौन सी दूसरी रेखा? मैं नहीं जानती किसी और रेखा को। क्या? बड़ी माँ को देखा। मेरे पोते ने मुझे याद किया और बड़ी माँ हाजिर। बड़ी माँ आपने बुलाया मुझे? हाँ, दरअसल बात यह है कि आज मानव और निधि की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना एक सरप्राइज पार्टी हम अरेंज करें। That's a fantastic idea. God, बड़ी माँ, हम में से तो किसी को याद ही नहीं रहा, पर तुसी ग्रेट हो, आपको सब याद रहता है। बड़ी माँ मेरे दिमाग में ना पार्टी को एक सुपर थीम आया है, प्यार, और ड्रेस कोड होगा रेड, क्योंकि प्यार का रंग लाल होता है। कलर ऑफ लव इज रेड, राइट? अब देख मैं क्या करता हूँ। और प्यार की सबसे बेस्ट जोड़ी क्या कर रहा है? भाई और भाभी। भाभी तो आई थिंक ये पार्टी की अरेंजमेंट्स भाई और भाभी को करनी चाहिए। सुपर। अरे मुझे किचन में बहुत सारा काम है। आप शिवांगी किचन में ना, तो किचन तो मैं संभाल लूंगी ना, है ना बड़ी माँ? हाँ वैसे मुझे भी ऑफिस जाना है। कम ऑन भाई, कम से कम एक दिन के लिए तो ऑफिस स्किप कर ही सकते हो, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग तो है नहीं आज। रॉकी तुम दोनों के बीच में सब ठीक तो है ना? नहीं
हाँ सब सब ठीक है ऑफ कोर्स बड़ी माँ आप चिंता मत कीजिए हम सब संभालेंगे हाँ बड़ी माँ हम सब कर लेंगे मैं नोटपैड लेकर आती हूँ हम सब लिस्ट बना लेते हैं हाँ और मैं किचन में जाती हूँ चलो मेरी हेल्प करो रॉकी ये लॉकेट बड़ी माँ आपके पास भी सेम लॉकेट आपके पास कैसे है वो कपा कपा कपाट अलमीरा खानदानी लॉकेट है लेकिन ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे विक्रम अंकल के रूम से आपने भेजा था ना मुझे फाइल रखने के लिए तभी मिला था सोफे के पास ओ अच्छा मतलब वो ना घर में घुस के विक्रम से गरुड़ मणि निकलवा के विक्रम को मार के गया है क्या हो बड़ी माँ क्या सोच रही हैं कुछ नहीं आप नहीं चाहती नहीं पहनो तो नहीं बेटा नहीं पहनो जो जी में आए पहनो तुम्हारा हक है इस घर के हर चीज पर तुम्हारा हक है लव यू बेटा थैंक यू लव यू बड़ी माँ मैं अभी आता हूँ ये नाक तो बड़ा खतरू था अच्छा हुआ सही वक्त पे मार दिया अब इस गरुड़ कवच की क्या जरूरत वैसे आर्टिस्टिक है एंटीक है पहने तो भी क्या हर्ज है हे भगवान मेरी काली नागिन कहाँ है सबसे पहले उसे ये बताना होगा कि रॉकी के पास गरुड़ मनी है क्योंकि अगर वो रॉकी से चिपक गई ना तो झटका देने के बदले झटका खा के पता नहीं कहाँ जाके गिरेगी वो हे भगवान काली नागिन क्या मोटी तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की कि मैं रॉकी से दूर रहूं पहले तूने मेरी रॉकी को शिवांगी के झोली में डाल दिया और फिर तेरे कहने पर मैंने अपने सौतन का गृह प्रवेश किया और अब तूने मुझे रोका ना तो तेरे अंदर प्रवेश करके तुझे कहां डसूंगी तुझे पता भी नहीं चलेगा मेरी बात तो सुन काली नागिन तेरी बात सुन के मैं नागिन से औरत जैसी बन गई अब तू मेरी बात सुन रॉकी सिर्फ और सिर्फ मेरा है तो इंस्टॉलमेंट में अपने बहू और बेटे को पास ला रही है बस अब तूने मुझे रोका ना तो तेरा गला काट तेरा गला कट जाएगा काली नागिन अगर तूने रॉकी को गले से लगाया तो धमकी की दुकान मैं रॉकी को गले भी लगाऊंगी उसे किस भी करूंगी बोल क्या करेगी तू विनाश काल विपरीत बुद्धि ए ज्यादा हिंदी मत बोला नहीं तो तुझे यही दफन कर दूंगी मैं अच्छा क्या कर लेगी तू काली नागिन मैं रॉकी को अभी इसी वक्त गले से लगाऊंगी नहीं लगाया तो और लगाया तो नाचूंगी ऐसे जैसे आज तक मैंने तुझे नचाया और अगर तू हार गई तो लाइफ टाइम फ्री डाउनलोड गाना मेरा नाच तेरा नाच मेरी नागिन तुझे रॉकी मिलेगा अभी मिलेगा वो खुद मुझे गले से लगाएगा हाँ हाँ अब बोल तूने तो मेरी बोलती ही बंद कर दी जा रॉकी को गले लगा और 440 वोल्ट का झटका खा शिवांगी ये लो मैं आई अभी हाँ क्या हुआ तेरे चेहरे पे तेरा क्यों बजे है दो बजे है नहीं दो शिवांगी है दो शिवांगी कहाँ ऊपर देखिए है ना शिवांगी हाँ शिवांगी है
और वो अपने पति के कमरे की तरफ जा रही है। आप ना नीचे देखिए मेरे पीछे। तेरे पीछे तो तेरे ये नहीं इस काली नागिन ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। गायब होके नहीं जा सकती थी क्या? अब इस चिल्लर को क्या बोलो? ना शिवांगी, नहीं ना, हाँ? बोलू, हमारा हेल्पर है। हाँ? हाँ? बड़ी माँ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था, वहाँ पर शिवांगी थी, ऊपर भी शिवांगी, नीचे भी शिवांगी। अच्छा? पहले तो तेरे कान खराब थे, अब तो मुझे लग रहा है कि तेरी ये दोनों आंखें खराब हो गई है। और सुन, ये बात किसी से मत कहना, वरना लोग यही समझेंगे कि तू पागल हो गई है। और वैसे भी पागल खाने में बुकिंग फुल चल रही है। हाँ, लेकिन वो तो यहाँ पर थी बड़ी माँ। ये भी गायब हो गई, वो भी गायब हो गई। तो शिवांगी, मानसी, क्या हो रहा है तुझे? था ना मैंने काली नागिन, जोर का छटका धीरे से लगाना। शिवांगी तुम ठीक? मुझे छूना मत। रॉकी बेटा, पैर फिसल गया होगा इसीलिए गिर गई। उठ ना बेटा, उठ। ठीक हो? बड़ी माँ, मैं केटर्स के पास जाके आता हूँ, आज शाम की पार्टी के लिए। ठीक है। बड़ी आई थी गले लगाने, और एक बार तो गला देख लेती। पहले नहीं बोल सकती थी कि गले में गरुड़ है? अरे पर तेरे गले में तो रॉकी था, बोलने कहाँ दिया? अब वो हारी और मैं जीती, इसका मतलब यही हुआ कि तू मेरे इशारों पर नाचेगी। मैंने प्यार किया जिम में, और हम पहली पहली बार मिले भी जिम में। वो जिम में मेरा पहला और आखिरी दिन। और तुमने जो वो उठाया ना, वेट्स, मैं वेट्स नहीं, पानी की बोतल। मैं इतनी इंप्रेस्ड हो गई, इतनी क्रैश्ड हो गई, मिसेस मानो निकंच हो गए। मामी, मामी, हो गया, हो गया, हो गया। गाइस, गाइस, लिसन अप, गेस कीजिए आज की शानदार पार्टी का शानदार अरेंजमेंट्स किसने किए? किसने? Who? हमारे घर की शानदार जोड़ी, हमारी प्यारी शिवांगी भाभी और रॉकी भाई। प्लीज आप लोग कमन 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 आइए आइए। और बस अब दो शब्दों में, आप लोग कैसे मिले, कैसे प्यार हुआ, कब प्यार हुआ? सुशांत, दिस इज टू अस, प्लीज प्लीज प्लीज, कमन 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 कमन।
एक्चुअली मैं शिवांगी शिवांगी को जब ऐसे नहीं भाभी की आंखों में आंखें डालकर कहो करेक्ट हाँ ये हुई ना बात मैं नहीं मानता था कि रियल लाइफ में प्यार भी होता है सिर्फ किताबों में पढ़ा या फिर फिल्मों में देखा फिर शिवांगी मिली मुझे इसे देखते ही कुछ हो गया था आप इसे बोले फैसिनेशन का अट्रैक्शन या फिर इन्फैटुएशन मेरे लिए वो प्यार था और एक ही पल में उसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया और फिर वो खो गई और फिर जब वो वापस मिली तो मैंने फैसला कर लिया कि आज के बाद इसे अपनी आंखों से दूर कभी नहीं होने दूंगा Because I love her. प्यार का नाटक अच्छा कर लेते हो Come on guys, let's rock the party! मैंने किसे कहा था क्या भाई आपने प्यार पे इतनी लंबी स्पीच दी तो रिटर्न गिफ्ट में हमारी भाभी इतना तो कर ही सकती है क्यों भाभी ये लो भाभी हे शिव जी मेरी रक्षा कीजिए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अवनी अमा हाँ ठीक इस चेन को ही काट देती हूं तो पहनने की नौबत ही नहीं आएगी आउच छुपा की ये क्या कर रही हो तुम कैसे हो छोड़ो इसे तुम ही बैठो मैं फर्स्ट एड किट लेकर आता हूं ये इंसान इतने रंग कैसे बदल सकता है किसी को मारता है किसी पे मरता है ये ऐसा कैसे हो सकता है दिखाओ मुझे जोर से तुम ही ना शिवांगी भाई आपके फ्रेंड्स बुला रहे हैं हाँ ये ठीक है सॉरी यार मैं तेरी शादी में नहीं आ पाया कोई बात नहीं यार कांग्रेचुलेशन थैंक्स अरे यार भाभी से तो मिलवाओ आज शिवांगी जी शिवांगी मेरा दोस्त ईशान है ईशान माय वाइफ नमस्ते कांग्रेचुलेशन Extremely sorry, एक अर्जेंट मीटिंग आ गया मुझे जाना पड़ेगा ओके बाय सी बाय अरे लव बर्ड्स चलो यार लेट्स डांस अरे ओ काली नागिन इतनी भी मत जल वरना कोयले से भी काली हो जाएगी सब्र कर ये हमारी नागमणि की चाबी है उस नाग को तो हमने खत्म कर दिया एक बार वो नागमणि हमारे हाथ में आ जाए फिर देखना हम इसे भी टक्का देंगे फिर कोई नहीं आएगा हमसे बदला शदला लेने
ऐसे तो मैं बर्दाश्त कर, इतनी भी मत चल। तुझे तो खुश होना चाहिए हमारे नागमणि के हिस्सेदार में अब 8 लोग नहीं बचे हैं, 2 टपक गए। इसका मतलब यही हुआ ना कि नागमणि के हिस्सेदार में अब हम सिर्फ 6 बचे हैं, 7वां कोई भी नहीं है। नम्रता देवी, पैर ना छुएगी। इसे तो मैंने मार दिया था, ये कैसे जिंदा हो गया? अब ये कौन आ गया? इसका चेहरा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? यामिनी से क्या रिश्ता है इसका? आप और यहाँ क्यों? यहाँ नहीं आ सकता था क्या? यामिनी जा, जा पैर छू ले, नहीं तो पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। पैर तोड़ने वाले को पैर छूने के लिए कह रहा है? आप तो अब्रॉड गए थे ना, कब आए? बड़ी माँ? बड़ी माँ कौन है? ये है। मेरा मतलब है, ये मेरे जेठ जी हैं, मेरे पति के बड़े भाई अखिलेश जी। ये अपने पति को जेठ जी क्यों बोल रही है? अखिलेश जी, आपने कभी इनके बारे में बताया नहीं मुझे। राखी, अपने पति की मौत के बाद मैं यहाँ चली आई। तुम्हारे पेरेंट्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी मौत के बाद आप लोगों को संभालने में मैं इतनी मशगूल हो गई कि मैं इनके बारे में भूल ही गई। मेरा मतलब है, मेरा इनसे संपर्क टूट गया। मुझे क्या है कि मैं अपने आप को इतने दिनों तक संपर्क क्षेत्र से बाहर नहीं रख पाया। इतना पुराना और गहरा रिश्ता जो है, इसलिए मिलने चला है। ठीक किया ना? ऐसा क्यों लगता है कि यामिनी कुछ छुपा रही है? इस आदमी को मैंने कहीं तो देखा है, पर कहां? ये कौन है? ये इस मोटी का पति है। पता नहीं अपने पति को जेठ क्यों कह रही है ये। इस ओवर एक्टिंग की दुकान का कोई भरोसा नहीं। टेंशन मत ले, पार्टी खत्म होने के बाद इससे सब उगलवाती हूँ मैं। Nice to meet you. Oh, नमस्ते। आप कुछ लेते क्यों नहीं? एक सेकंड, वेटर। I'm really sorry. तुम्हारा सूट गंदा हो गया। It's okay. मैंने इसे छुआ, पर मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? इसने गरुड़ मणि नहीं पहनी है। अब तुमने वो लॉकेट नहीं पहनी? वो निकल गया था, टेबल पे पड़ा है, अभी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, तुम चेंज करो, मैं लॉकेट लेकर आती हूँ। शुक्र है इसने गरुड़ कवच नहीं पहना। Excuse me. यहाँ क्यों आए हो?
बाद में बताता हूं, पहले अपने माथे का पसीना पोंछ ले, कहीं इन लोगों ने देख लिया ना तो शक हो जाएगा। आवाज नीचे करके बात कर, नहीं तो 2.5 किलो का हाथ ऐसा पड़ेगा ना कि किधर जाके पड़ी रही पता नहीं चलेगा। अब बोल, तू अब आई ना लेने पे, एक बात बता, मेरा फोन क्यों नहीं चुक रही थी? मुझे लगा खुद ही चल के देख लेता हूँ कि कहीं दोबारा मर्ज कब तो नहीं गई। वो क्या है ना, मैं जरा वो नागमणि के चक्कर में, चक्कर से याद आया कि अपना चक्कर याद ना, 50-50 नागमणि याद ही तेरी याद ही मेरी। अरे तू छोड़, मैं तेरा हस्बैंड अंकुश रहजा नहीं हूँ, अखिलेश रहजा एंकी टू पार्ट टू धूम टू, मैं धूम टू केवल उसके ऐसा दिखता हूँ। उसी तरह मैं भी माली था, लेकिन कभी भी उसकी तरह मैंने जमीन पर बैठ के ताली नहीं बजाई, मेरी और उसकी आज तक पटी नहीं। मैं था पूरब का छैला और वो था पश्चिम का मैला। माँ के सामान में कहीं तो उसकी तस्वीर देखी थी मैंने। वो 5 हत्यारे थे, उन 5ों में यामिनी और उसका पति अंकुश रहेजा भी था, पर शिवन्या ने अपने प्रतिशोध में सबको मार दिया था। आज तक मैं यही नहीं जान पाई कि यामिनी कैसे जिंदा हुई, और अब उसका पति अंकुश रहेजा भी जिंदा होकर वापस आ गया, कैसे? देख लिया, माँ की फोटो देख रही हूँ, याद आ रही है ना उनके? होता है, जब कोई अपने पास नहीं होता है ना तो भरी भीड़ में भी अकेलापन सा महसूस होता है। मुझे माफ कर दो, कल रात जो भी कहा मैंने, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती, तुम नहीं समझोगे, मेरे सामने तुम नहीं वो डर था जो अचानक से सामने आ जाता है और एक पल में सब कुछ खत्म कर देता है। तुम जानते हो ना, डाकुओं ने एक साथ मेरे पूरे परिवार को मार डाला, एक ही बार में सब कुछ खत्म। शिवांगी, मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, प्लीज अब जो गलती की है उसे सुधारूंगा मैं। यू नो, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। वो शायद मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें समझा नहीं पाया, तुम्हें महसूस नहीं कर पाया कि तुम मेरी जिंदगी का, मेरी फैमिली का कितना बड़ा हिस्सा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज से जो कुछ मेरा तो मैं तुम्हारे नाम। तुम कहती थी कि तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारा सब कुछ चला गया। मैं हूं, वे टुगेदर फॉरएवर। और शायद ये बात को मैं प्रूफ तो नहीं कर सकता, लेकिन इस बात का जो कुछ मेरा वो तुम्हारा।
मैं कहीं जाके पेपर जारी करता। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं शिवांगी, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को लगे कि वो अनसेफ है या उसका दुनिया में कोई नहीं है। इसी इंसान ने मेरे परिवार को मारा था और अब यही इंसान ये सब। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे ये कातिल नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रंग बदलना, नाटक करना तो इन लोगों की फितरत है। जैसे वो अंकुश रह जा, वो जिंदा कैसे हुआ? क्या करूं? मुझे रुद्र से मिलना है।